यो 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 हेलो नमस्ते आदाब सारिआं नूं प्यार भरी सति श्री अकाल जी। एक बार फिर तो स्वागत है तुहाडा साडे चैनल सिद्धू टेलर्स दे विच। ते मेरा नाम है टोनी सिद्धू, वैसे तुसीं सारे जानदे हो जी। ते अज लैके आंदी है तुहाडे लई बहुत ही ज़्यादा यूनीक ते सोहणी वीडियो, मतलब जिन्हों वेख के तुसीं वी कहोगे अज वाली चीज़ असीं जिंदगी च कदे सिखी ही नहीं, पक्की गल 101%। ते आ सारिआं ने वेखदे होणे आ वी आ मेरे सट किवें वज्जी आ, इन्नी डूंगी सट किवें वज्जी आ। हुण तुहानूं सारिआं नूं पता जी मैं व्याया जा चुकिया, तो हूँ मूँह तो छोटिया मोटिया सट्टा वजनिया आम जी गल नहीं, मजाक करदा थोड़ी भरजाई ने नहीं मारिया तो चलो ठीक है जी, आप ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके वीडियो करते हैं शुरू। तो कमेंट कमुंट करके दस्यो जो कोई चीज़ ना समझ लगे तो पूछ लियो। तो इंस्टाग्राम से भी तुम आप फॉलो कर लियो, क्योंकि कई बार की होंगे मतलब यूट्यूब से आप थोड़ा जहा घट एक्टिव रहने जी, तो इंस्टाग्राम तो ज़्यादा एक्टिव, कई चीज़ तुम्हें इतने नहीं समझ लग गई तो तुसी इंस्टाग्राम पर भी आपां नूं पुछ सकदे हो। तो उहदा लिंक थले डिस्क्रिप्शन दिता गया, उहनूं सबसक्राइब कर लियो, फॉलो कर लियो, तो दूजे चैनल नूं सबसक्राइब कर लियो। तो लो जी सब तो पहला कमाल पीस नूं इदां करके घुम जा स्टाइलिश जिहा लगे जी। तो अज तुहानूं दसनी आपां बड़ी यूनीक चीज़, बड़ी डिफरेंट चीज़ जिहड़ी वेख के सारे हिल जाणगे, इदां इदां शेक होण लग पैणगे। तो अच्छा जी सब तो पहला आप तुम्हें मैं कपड़ा मिण के दिखा, जो अपने को पीस हैगा येगा अपने को 1.5 मीटर पने वाला, मतलब पूरा इंच डेप जी, तो अपना लग जाता 1.5 मीटर पना हों जी ये वाला, ठीक है जी। तो यदि आप कटिंग करनी है, किमें कटिंग करनी है, तो की कटिंग करनी है थोड़ा मैं अगे अगे वीडियो दसदा। तो जी चीज़ बन लगी है ना अच्छे, मतलब जिन्हें कन्फ्यूज़ किया लोगों को, ये श्रग आ, ये लौंग कोट आ, ये कॉटन कुर्ता भी, ये की चीज़ आ, ये जो तो बनूगी ना चीज़ तुम वेख्यो, मैं कहना अल्टीमेट चीज़ बनूगी। तो लोग थोड़ा ना रोक रोक पूछा करे भी किमें बनया की बनया, सानू भी विखाओ। अच्छा जी इदा करके डबल फोल्ड कर लियो जी। डबल फोल्ड करन तो पहला, सारे तो पहला थोड़ा मैं एक गल की निगाह करा देव, जो सांझा पासा तुम इस पास रखना, ठीक है, इस पास सांझा पासा, तो दूसरे पास तुम दूजू रख लियो जोड़ा पासे कपड़े दो दिन हो। क्योंकि सब तो पहलिया बच्चे आप कट्टनी है जी बैक। तो सब तो पहला आप लावे छोटा जहा निशान जोड़ा आप मान लो घेरे घूरे की आप करनी हैगी फोल्डिंग, ठीक है जी। पर तुम एक गल मैं फिर दोहरा देव, मतलब जोड़ा ये वाला पीस आप कटिंग करना, ये आप कटिंग करना है बैक, क्योंकि बैक वाला पीस जोड़ा रखना वो आप रखना सांझा, ये सांझा पासा आप कटना, ये कटनी है बैक। गलती नाल भी ये फ्रंट ना कट लियो कि ना हो बैक तो कट पा लो, तो बाद ब्लाउज वगू बैक तो वो कहते हैं जिप जी ला के तनिया ला के बंद कर दे फिर वो भी नहीं सोना लगना। ये आप हम कटनी है बैक आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग, जिमें आप 42 इंच रखनी है जी, 42.5 इंच कटिंग कर लिया है, तो मोढ़ा नॉर्मली जिमें आप 7 इंच कटते होंने, ठीक है, यदा तीरा कटांगे आप, यदा तीरा जी मन के चलो जो थोड़े सूट का नॉर्मल तीरा 12-13 इंच हैगा, उदो ये 1.5 इंच तीरा वध कटना है, क्योंकि ये उपर एक वड्डा वड्डा कलर लगेगा जिमें कोट कलर कह देंगे वो कलर लगना है, तो यदा तीरा 1.5 इंच वड्डा रखना नॉर्मल तीरे के नालों। तो इस बाद आप करेंगे जी तीरे का निशान ला के फिर आप लावे थले मोढ़े का निशान, तो मोढ़े का निशान तुम्हें सारे पता ही है जी नॉर्मली 7 इंच ही आप रखना जी, ठीक है जी। तो सिंपली आ निशान ये मैच कर लेंगे, थलो थोड़ी जी गलाई पा लेंगे। तो गलती भी जो गलाई पा लगे इसे गलाई पर ना कटिंग कर दो, जो इसे गलाई पर कटिंग होगी ये फ्रंट वाले की कटिंग हो जूगी, तो जी बैक होंगी उ 1.25 इंच, मतलब जो बंदा थोड़ा मोटा तो 1.5 इंच रख लियो, जे मतलब पतला तो फिर तुम 1.25 इंच भी रख सकते हो, 1.25 इंच या 1.5 इंच रख के तुम बैक पल्ले की जी गलाई पानी है। गलती नाल भी जी पहला गलाई पाई है वह रख के कटिंग ना कर लियो, फिर थोड़ा वो फ्रंट कटिंग हो जूगा नहीं तो, ठीक है जी। इदू बाद आप करना जी जिनी अपनी चैसट का नाप है वो नाप ला लियो, तो मतलब 2-3 इंच जिन्ना भी तुम मार्जन रखना उन्ना मार्जन तुम रख लियो। फिर उस तो बाद जी अपनी 7 इंच तो कमर होंगी है जी, कमर पर रख के कमर की फिटिंग रख लियो जी, तो 1.5-2 इंच जिन्ना भी तुम मार्जन रखना, मतलब फिटिंग तुम मेरी फिटिंग देना चाहे हो, मतलब जिनी थोड़ी फिटिंग हैगी तुम उन्नी फिटिंग रखनी है जी। फिर 15 इंच तो अपनी हिप होंगी जी, पर आप हिप के चाक नहीं होंगे ये वाले के, श्रग कोट लौंग कोट जिहड़ा भी तुम कहना चाहोगे उन्हों, तो यदि हिप के निशान ना तुम मैं दसदा की फर्क हूँ, जिन्ना तुम मतलब हिप रखी होंगी है जी हिप थोड़े सूट की, उस 10 इंच वधा के तुम यदा घेरा रखना, जो थोड़ी 19 इंच थोड़ी हिप हैगी है तो 29 इंच का घेरा रखोगे, ठीक है जी। तो यदि निशान तुम सीधा कमर ना मैच कर लियो,
क्योंकि जो तुम हिप तो चाके करोगे तो थोड़ी हिप जी बहुत ज़्यादा फस जूगी, कमर तो रख के चलोगे तो जो थोड़ा हिप तो को घटो घट एक दो इंच का आराम ना फर्क पै जूगा, लूज हो जूगी जी कि प्रोपर लुक दिसूगी कुर्ता श्रग ज लौंग कोट की। फिर जो वाधू मार्जिन निशान लाया वो कटिंग कर लियो, बड़ा ही सीधा जहा काम कोई लंबा चौड़ा काम नहीं, पर फिर भी जो किसी कोई चीज़ ना समझ लगे तो कमेंट कर लियो। ठीक है जी, हम काट ध्यान रखियो बैक वाले तो कटनी है जी, फ्रंट वाली कटिंग ना कर लियो जी। हम देखो जी जी अपनी है बैक वाली पीस की कटिंग हो चुकी है, तो जो आप फ्रंट कटिंग करना वो तुम दस दें जी, ये पल्ले आप पलटा लवेंगे, ये पल्ले आप पलटा के इस तुम बाद चंकी तरह विछाले तो वह पीस ये उपर रखा, तो पीस अगे रखन लगे एक चीज़ का बहुत ध्यान रखियो भी ये पीस आप फ्रंट साइड तो मतलब जी साइड है सांझा कटिया वह साइड आप फ्रंट पला एक एक इंच वध रखना। जिमें आखो मैं एक इंच पिछे हटमा रखा है ना बैक, यदा मतलब यह भी जो अपना फ्रंट पीस कटिया जाऊगा वो ये नालों एक एक इंच वड्डा कटिया जाऊगा चौड़ा कटिया जाऊगा, तो वह भी तुम दसूँगा वो अगे मैं तुम दसदा वो पीस का आप करना वो आप किमें फोल्डिंग करनी है किमें थले कोई टाकी पत्ता लाना, इन्हें प्रॉपर तरीके विछा लियो कटिंग तो पहला जी, मतलब एक एक इंच तुम यदा वध छड लेना जिमें मैं आ छड़िया होया, फिर अखा मीच के चक लो कैंची तो वढ़ दो सूट को, पर नहीं अखा खोल के कट लियो क्योंकि मेरी तो आदत बनी भी अखा मीच के कटन की कि देर ना हो अखा मीच के सूट ही बचा लो वढ़ लो। हाँ देखो जी हम एक बार तुम्हें की करना इन बैक वाली कार्ड से कट्टो क्योंकि फ्रंट वाली कार्ड उस तो बाद आप निशान ला के कटिंग करा। ठीक है जी, हूँ बैक वाला पासा आप ये उपर चक देवे, तो अपना जोड़ा मोढ़ा हों जिमें नॉर्मली सत्त इंच रख के, तो हूँ यदि आप कार्ड पावे फ्रंट वाली। ठीक है जी, तो जेड़े जेड़े अपने चैनल पर नवे हो चैनल में सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन प्रेस कर लो, तो कमेंट कमुंट भी कर दिया करो यार, कोई चक्कर वाली गल नहीं हैगी। तो ये चैनल से तुम्हें हमेशा स्टिचिंग रिगार्डिंग वीडियो ही मिलनगियाँ। आ देखो जी हम इस तो बाद आप करना ये लावे जी काट पानी होंगी, पहले तुम्हें दस देना कि बाहवें कट लेनी है, बाहवों की प्रोपर कटिंग तुम दस देना, ये मैं नॉर्मली बाह कट दूंगा जी, पर जे किसी को बाह का मतलब नहीं पता किमें कटनी है उपर आई बटन के लिंक दिता हुआ, बाह कटन के भी दो तीन तरीके होंगे जेडे उपर वीडियो दिसे हुए, तो उत्थे तुहाडा बाह कटिंग करन दा जिहड़ा डाउट आ निकल जूगा। बाजू की कटिंग करके जिहड़ा वाधू पीस उहदे नालों भी आप पीस की कटिंग करनी है तुहानूं दसदा पीस आपां कित्थे यूज़ करना होगा। आ अपनी होगी बाजू की कटिंग, ठीक है जी, इहनूं रख दो उपर। हम तुम दस देव जी जिहड़ा पीस है ये आप करना डबल पीस हो गया जी, तो सत्त सत्त इंच जिवें छे छे इंच चौड़ा पीस है आप कट लेना, छे इंच कट लो सत्त इंच कट लो कोई चक्कर वाली गल नहीं। ठीक है जी, तो ये पीस नूं खोल के उस तो बाद तुम दसदा की करना, ये पीस का बहुत इंपोर्टेंट रोल अपने आ जिहड़ा चीज़ आप बनाई जाने श्रग लौंग कोट कुर्ता कुछ भी तुम नाम दे सकते हो, तो इन इदा करके सेंटर भाण बना लियो तसली नाल प्रेस प्रूस मार लियो टका के। उस तो बाद तुसी की करना जी 10-11 इंच का मतलब थले लप्पा छड़ लेना, लप्पा मीनस आ दो दो इंच का पहला थले निशान लग जाए, लंबी पट्टी सारी आप दो दो इंच की कटिंग करनी है। ठीक है जी, तो जो उपर छड़े आप पूरा ही छड़ा तुम दस दें जो कटिंग कर दो वेखोगे तुम्हें समझ लग जूगी। इस तरह करके ये सांझा पासा रखे हुआ जी, एक गल का ध्यान रख लो जी, बाद चुना वैसे भी आप कटिंग करना। उस तो बाद जो आप 10-11 इंच छड़े जी इनू इस तरह करके छड़ लेना, तो इन हूँ आप सेंटर विचों कर लाँगे कटिंग, तो हमने पीस कितने यूज़ करना किमें यूज़ करना तो ये थोड़ा मैं दसदा, ये पीस ने बहुत तकड़ा रोल प्ले करना अपने डिजाइनर पीस दे विच। आ देखो जी हम थोड़ा मैं करी आइडिया दे देना मोटा मोटा रफली जहा आइडिया, ये लगेगा जी अपने फ्रंट साइड वाले पीसा पर जिदा इस जगह पर आई मतलब सिंगल सिंगल पीस हो जूगा, आ इस चीज़ की कटिंग हो जूगी, ये लाइना टेढ़िया रखने का रीज़न की है जो ये कलर पलट के बाहर आऊगा तो अपनी टेढ़िया लाइना बाहर दिसनगियां जिवें अपना कोट कलर कह लो उस तरीके नाल, ते आ सारे ते मतलब लंबी फट्टी है जिहड़ी थलों तक अटैच हो जूगी, थलों तक कट एक टाइप का बन जूगा। तो हुण आपां इहदे ते की करांगे जी, जिवें 3x3 इंच का खांचा कढ़ांगे जिहदे उपर अपना कॉलर वगैरह लगना हुंदा, इस तरह करके इहदा आपां खांचा कढ़ लेना, खांचा कह लो पीस कह लो मतलब की पता थोड़ी लैंग्वेज क्यों जां नैक कट कह लो। ठीक है जी, यदि कर देंगे आप हुण कटिंग इदां करके फटे चक दो,
कट्टन कुट्टन लगे जमाना चेकया करो कैंची पटक देने खोल के चला दया करो, कोई चक्कर वाली गल नहीं होंगी। इदू बाद आप करना जी बैक पीस से भी सेम तरीके कटिंग करनी है, पर इन्नी नहीं करनी 3x3 की कटिंग, आप 3 इंच की ही करनी है, पर आप थले करनी है 1/2 इंच की। इस तरीके ध्यान ना विकलो ठीक है जी। इस तरीके फिर इतने जोड़ देंगे आप कंधे तो उपर हम आप सब तो पहला की करना जी, जिमें अपने फ्रंट पीस है ये पीस तो आप लाना उ कपड़ा जो तुम दसिया से आप कटिया खांचे वाला कपड़ा, तो किमें लाना किमें नहीं है तुम अगे कि मैं वीडियो दसदा। देखो जी जितों तक अपना कट वैसे पाया उदो उपर तक शोल्डर तक ये पीस में आप रख के पहला एक बार सीधा स्टिच करना इतों शुरू करके, जी साइड तो स्टिच है वो आप स्टिच ये बाद मारा, तो यह पीस जो स्टिच हो जूगा इस तरह लग जूगा। थोड़ा मैं प्रोपर एक सीधा जहा करके विखा थोड़ा आइडिया हो जाऊ ला के विखा पीस थोड़ा दोनों पासे आप इस तरीके पीस में अटैच करना। तो हम पहला आप सीन ला के अटैच कर ही लीए इदा रख के जी, मतलब जी गलाई वाली उस सीन हजे आप नहीं मारनी, आप सिर्फ तो सिर्फ सीधी सीन मारनी उपरों स्टार्टिंग तो लैके थलों तक के पट्टी आप अटैच कर देनी है। तो एक गल का ध्यान रखियो जी आप पट्टी लाई है तुम पट्टी आते मैचिंग पीस की भी ला सकते हो, मतलब मैचिंग जो तुम कोई जे कल वाइट पीस की लानी वह भी ला सकते हो, जैक पिछे चली सी ना कि आखते हैं फैदर जी वाले वह पीस की भी ला सकते हो, तो थोड़ी जी लुक डैशिंग लुक जी बन जूगा। शनील दे पीस की फोल्डिंग भी ला सकते हो क्योंकि जोड़ा कोट कॉलर का थरड़ा हिस्सा निकल आता लंबा कॉलर बनता वो वाला अपना फिर शनील का बन जूगा। हाँ देखो जी आह पीस इस तरह हो गया जिम्मे आप टेढ़िया लाइना वाला जुड़िया हो, तो हम आप की करेंगे जोड़ा उपरा वाधा पीस है यदि कर देंगे कटिंग अच तक खांगे सेम दूजे पीस से भी आप पीस ला चुके हैं जी, तो वो भी आप प्रोपर इस तरीके कर देनी है कटिंग इनू विछा के ठीक है जी। इदू बाद तुम दस देव जी आप जोड़ने ये कंधे कुंधे, तो आ देखो आ जो पीस ये आए पलट जू तो अपन लाइन जी टेढ़िया आई बहुत सोहनिया लगन गियाँ, जिहड़ा मतलब अपना डबल कॉलर दिसूगा। हुण आपां जोड़ांगे जी कंधे, कंधे मीनस शोल्डर मोढ़े उत्तों आपस जोड़ लेंगे बैक ते फ्रंट पल्ले नूं, ते साडा पीस तां वैसे लाइनिंग वाला सीगा, जे तुसीं चाहो तां इहनूं सिंगल पीस भी रेडी कर सकदे हो। आ पीस नूं आराम नाल अटैच कर लेंगे, उस तो बाद इहदा बैंड बुण मिलांगे, बैंड नहीं सॉरी कॉलर मिलांगे, ते कॉलर किवें कटिंग करना किवें नहीं करना वह तुहानूं मैं दसदा अगे वीडियो दे विच। आ देखो जी आ अपना पीस जिहड़ा आपां अटैच कर चुके हैं, हुण इदू बाद की करना जी सब तो वड्डा ते जरूरी काम जिहड़ा हुण आपां मिणांगे कॉलर जिहड़ा इहदे उपर लगना, ते कॉलर किवें मिलना सारे पीस दा आपां कॉलर नहीं मिलना जी, आ जिहड़ी आपां नुक्कर रखी हुई आ नुक्कर तो आपां 2 इंच 2.25 इंच छड के फिर कॉलर नूं मिलना, जिवें इत्थों नुक्कर तो 2 जां 2.25 इंच छड के, क्योंकि इह कॉलर ने फिर आपदी लुक फेर ही देनी है। 2.25 भी छड सकते हो 2.5 भी छड सकते हो, डिपेंड करदा तुहाडे ते वी तुसीं उह नुक्कर जिहड़ी किन्नी कु वड्डी दिखाउणी आ। तो जितों तक अपना निशान लग्या जी उतों तक तुम बैन में मिल लेना कि जिमें 7.25 है, हाँ देखो 7.5 7.5 के करीब हैगा, तो ये हम आप करा बैन की कटिंग। आ देखो हम जो आह पीस होगा इस लग जाऊ तो उदू बाद आप सीन ला के जो अपना कॉलर का थोड़ा वेस्ट पीस होगा वो ये अंडरग्राउंड कर देंगे। आ देखो जी आह पीस तो हम आप पेस्टिंग कर चुके हैं जी, तो 7.5 इंच आप मिले सी 7.5 इंच का निशान ला लिया, तो इधर आप ला लिया जी 4.5 इंच का चौड़ा ठीक है जी, इधर भी आप ला लेंगे 7.5 इंच का, तो इदू बाद स्केल नाल तुसी निशान ला लियो। अज वैसे मैं पहली बार स्केल चक्या, नहीं तो वैसे मैं कितने छे की स्केल चकदा नहीं हुंदा। तो पेस्टिंग कर लियो जो कॉलर की कटिंग कर लगे हो बहुत जरूरी है, मतलब कॉलर तुहाडा थोड़ा जिहा हार्ड होना चाहिए, तो उदू बाद आपां की करना जी थल्लों लाया तुसी 1.5 इंच का निशान सांझे पासे ना ला के बह जाओ दूजे पासे लाना जिधर कॉलर दी नुकरां बनियां, तो इधरों लाना तुम 3.5 इंच का निशान ठीक है जी, ये निशान गलाई करके इस तरीके मैच कर लियो। हुण एक चीज़ का बहुत ध्यान रखियो जिवें आप थलों मिलना सी 7.5 इंच गला बैन मतलब कॉलर, ये 7.5 इंच का तुम निशान रख के ला लेना, जो वाधू पीस होगा वो किवें करनी शेप तुम दसदा, जिवें 7.5 हो गया इतने आ गया आ पीस इन्ना वध गया, हुण इहनूं आपां नुक्कर नाल मैच कर देना ठीक है जी। हुण इत्थों आपां 2 सूत की मतलब थले नूं टेपर शेप देनी है इस तरीके। हुण इस तों बाद तुसीं की करना जी, जां तां इहदे ते सीन ला लिओ ठीक आ, ते जां स्टैपल कर लिओ, बाकी आ सारे पीस दी हुण आपां कटिंग करनी है सांझा करके,
अपने को स्टैपलर है आप स्टैपलर ही यूज़ कर लाँगे। तुम पिन्ना ला के बच्चे सीन ला के किसी भी तरीके इनू पीस में कट्ठा रख के फिर यदि कटिंग कर लो ता कि जो अपना पीस आ सारे पास्यों इको जहाँ कटिंग हो जाए भी कोई शंका वाला काम ना रहे। आ देखो जी इस तरीके आप पीस की कटिंग कर लेनी है जी। तो मैं कहना कॉलर जो चढ़ूगा ना तुम वेखोगे आने टडे रहने लोगों के एडा फिनिशिंग जिमें कोट के कॉलर चढ़े हुए होंगे वो चीज़ बननी है जी। हम जी आप कटिंग दी सी दो मतलब डीप दी सी थोड़ी उवें कटिंग करनी है जी। ठीक है जी हुण ध्यान नाल स्टैपलर पिन्ना इहदियां पट पुट लिओ जो कि नवें खिंच के पाड़ लिओ सारी भी की मेहनत तो पानी पै जाए। हुण इहदियां लाइन तुहानूं मैं आइडिया दे देवां किहड़ा पासा बैन ते चढ़ूगा जिहड़ा थर्डी साइड गलाई वाला पासा ये चढ़ूगा कॉलर ते जिवें इस तरह करके अपना जिहड़ा कॉलर बन जाणा। ठीक है जी हुण इहदे नाल लाउणा आपां इक आह वाला कपड़ा जी मतलब डबल कपड़ा जिहदे नाल अपना पेस्टिंग वाला पासा हैगा वह भी कवर हो जाए मतलब वो च भी वाइट पासा दिसे ना। तो वह किवें करना जिवें आपां नॉर्मली बैन लाउने कोई भी वह आप किमें कवर कर रहे तो सारे पता ही है जी कनी कनी तो ला के सीन उस तो बाद बैन आप पलटा लवेंगे बैन कॉलर तुम कुछ भी कह सकते हो। हुण इहते आप ला के सीन चारे पासे इहनू पलटाउणा। ठीक है जी चारे पासे नहीं मीनस तीन पासे सीन लगेगी ये तो चारे पासे कॉलर से सीन लगन तो बाद जी इस तरह कुछ हो गया जी। तो हुण आप प्रेस प्रुस मार के चंगी तरह दीआं सीना जिहड़ियां कढ लैणियां क्रीज कढ लैणियां बड़ा सौखा जहा काम आ पर जे फिर भी किसी ने कोई चीज़ नहीं समझ आती तो यार वीडियो द्वारा फिर वेख लो ना समझ लगे फिर दोबारा वेख लो तो जे फिर भी ना समझ लगे तो मैंने इंस्टाग्राम से भी मैसेज करके पूछ सकते हो। कई बार की होंगे यूट्यूब पर आप थोड़ा जहा लेट कमेंट किया जाता इंस्टाग्राम से थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहने तो वो करके हों मतलब उत्थे छेती रिप्लाई किया जाता इस तरह करके सारिया सीना जी आप चीर लेनी है जी। ठीक है जी प्रॉपर तरीके प्रेस मार लो कि ना हो जोड़ा अपना पेस्टिंग वाला पासा उत्तों की लंघता फिर पतला कपड़ा थले रह जाए तो अपना बैन थोड़ा भैड़ा जहा लगन लग जाए वह काम ना करो काम करो स्लो पर इदा का करो दोबारा पट के ना करना पवे। आ देखो जी अपना जो कॉलर वो प्रॉपर रेडी हो चुका तो इदू बाद इनू किवें फिक्स करना किवें नहीं करना मतलब जो आप स्पैशल कपड़ा लाया से वह की रोल है ये वह भी तुम्हें मैं दसदा हने हने। आ देखो जी इनू आप लाना शुरू कर देना जिते अपना मार्क लग्या सवा दो इंच का उस तो बाद ठीक है जी उस तो बाद लगना जरा सीगा शुरू किया तो इनू प्रॉपर उत्थे जाके ही खत्म होगा जितों आप बैंड चक्या मतलब सवा दो ढाई जिन्हें का भी तुम निशान लाया होगा उतों शुरू करना तो उत्थे जाके उधर खत्म करना बस आ सीन ला लो जी प्रॉपर बहुत ज़्यादा ध्यान तो तरीके दे नाल ते उन्ना चर मैं शुगला मेला कर ला नी हौली हौली वैल छू जवाई माए तेरा। आ देखो जी जिहड़ा बैन अपना मतलब कॉलर सीगा अपना उत्थों तक पूरा हो चुका जिथे आपां निशान लाया सीगा मतलब सवा दो ढाई तुसीं जिन्ना भी लाउणा है ना वह निशान तक के पूरा आ जूगा तो उस तो बाद तुहानूं दस्सदा जिहड़ा पीस आपां लाया सी उहनूं आपां किवें पलटाउणा किवें नहीं पलटाउणा। ठीक है जी आ देखो हुण तुसीं भी सारे सोचदे होवोंगे आ भी की लीराइयां बना दियां आ पीस बस इधर पलट जूगा। हाँ देखो आ बीज जो अपना इधर न पलट जूगा तो उस तो बाद कलर जो इस तरीके दिसन लग जूगा शायद अभी हम पता नहीं लगता होगा तो मैं बीज तो आह जो पासा होगा यदि तरपाई तरपुई की जाऊगी। हूँ इस तो बाद आप करना जी जो पीस आप सिर्फ कली सीधी स्टिच लाई सी हूँ आप कलर तक लावे स्टिच मतलब इस जगह तो शुरू करके इधर बड़ा ही सौखा जहा काम जो मैं सीन लाऊंगा तुम्हें अपने प्रॉपर पता लग जूगा सीन आप किमें लाइए नुक्कड़ देखो जी ध्यान तो जिते अपने मतलब शोल्डर तक ये पीस आप अटैच करा अपना जो कॉलर का मतलब धाग्या वाला पासा से सारा ये थले अंडरग्राउंड हो जूगा ये उ पीस है जोड़ा आप कट के लाया सीगा लंबा मतलब 7 इंच चौड़ा करके तो थलों तक लाया से कुर्ते आ जिते देख लो अपने मोढ़े की अपनी सीन आ गई ना उत्थे तुसीं आ पीस नूं फोल्ड कर लेना इस तरीके। ठीक है जी क्योंकि यह घूम के बाद उत्थे ही सीन लगनी है ये तुसी पीस की बाद तुरपाई भी कर सकते हो चाहो तो तुसी सीन भी ला सकते हो इन्ना तो मैं प्रॉपर पता लगी जाता थोड़े अद्धे लोगों के दिमाग में चीज़ आँदी नहीं पी होनी किवें बनानी किवें नहीं पर जदों तुसी ये पीस शुरू कर लोगे ऐटोमैटिक थोड़े दिमाग में चीज़ा आउंदियां जाणगियां अपने आप। आ देखो जी हुण जो पीस अपना वध्या हुआ सी ना इस तरीके वध्या सी हुण जो आह कपड़ा होगा वह सारा गुम हो जूगा हुण मैं तुहानूं दिखाउणा एक सैकंड सीधा करके एक बार हुण दूजे पासे भी सेम आपां उवें सीन लाउणी आ
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੀਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੀਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਨੁੱਕਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹ ਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੀ ਆ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਲਡਰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਬੈਕ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਰ ਵਾਲਾ ਪੀਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਜੂਗਾ। ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਲੋ ਸਲੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਬਣਿਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਕੀ ਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲੀਰਾਂ ਬਣਾ ਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਭਾਈ ਵੀ ਆਡਰ ਟੋਟੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਫੋਲਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੀਸ ਉਹ ਫੋਲਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਲੀਰਾਂ ਹੀ ਨੇ ਸਮਝੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੇਖੋ ਐਡੀ ਧਾਸੂ ਲੁੱਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਲੈਟ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ ਯਾਰ। ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਲਾ ਲਿਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸੀਨ ਮਾਰੀ ਆ ਤਾਜ਼ੀ ਤਾਜ਼ੀ। ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਲੀਰਾਂ ਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਟੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਲੀਰਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਗਲੇ ਪੱਲੇ ਅੱਡਦਰੇ ਵਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਅੱਡਦਰੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੋ ਸਲੋ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਕੀ ਆਈਟਮਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਨੁੱਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੀ ਕੱਢ ਲੈਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਨੁੱਕਰ ਹੈ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਟਾਕੀ ਲਾਈ ਸੀ ਥੱਲੇ, ਲੰਬੀ ਟਾਕੀ ਲਾਈ ਸੀ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪੂਰੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਰੈਡੀ ਹੋਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਰੇ ਹੋਣਾ, ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਫੋਨਾਂ ਟਾਕੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੀਸ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੀਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਕਰੀਜ਼ਾਂ ਕਰੂਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੀਸ 'ਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਪ੍ਰੁੱਸ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਇਹ ਲੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਟਾਕੀਆਂ ਜੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੂਗੀ ਨਾ, ਬੈਕ ਪੱਲਾ ਆਪਣਾ ਅਟੈਚ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਲਰ ਆਪਣਾ ਫਿਕਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਪੀਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੀਸ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਉਹ ਫੋਲਡ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਟਾਕੀਆਂ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਕਾਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਆਹ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਊਗੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਕੋਟ, ਮਤਲਬ ਕੋਟ ਲੌਂਗ ਕੋਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁੜਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਰੱਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਜੇ ਰਫ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੱਚਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਪੀਸ ਫੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੀਸ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਸਾਰੇ ਪੀਸ 'ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੀਨ, ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਸੇਮ ਸੀਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਰੀ ਸੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ, ਕਾਲਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜੂ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਰ ਆਹ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡ ਸਟਿਚਿਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗਣਗੇ, ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਨ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਸੀਨ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਸੀਨ ਲੱਗ ਗਈ ਆਪਣੇ ਪੀਸ 'ਤੇ, ਆਹ ਸਾਰੇ ਪੀਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਨ ਆ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਈਡ ਫਿਟਿੰਗ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਹਾਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੁੜਤਾ ਲੌਂਗ ਕੋਟ ਸ਼ਰੱਗ ਦੀ ਲੁੱਕ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਓਪਨ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬਟਨ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਜੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਜਾਂ ਟੋਪ ਪਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਓਪਨ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋ, ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਮਾੜੀ ਲੱਗੀ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਡਿਸਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ।